Instagram, please see what kind of inhuman and barbaric act is being done by the state institutions. I'm talking about PDM government's institutions. इनके कहने के ऊपर सब कुछ हो रहा है और इसको अगर यहां पर ना रोका गया, वी आर हेयर टू रेज द वॉइस फॉर द को चेयरमैन ऑफ बोल मीडिया नेटवर्क, जिनकी अपनी एक सेंटिटी है. ही इज नॉट अ टेररिस्ट, ही इज जस्ट एन ओनर ऑफ ए कंपनी. प्लीज लुक इनटू दिस, मेक इट पॉसिबल, रेज वॉइस एंड मेक द हैशटैग्स. बिल्कुल बिल्कुल. सिद्दीक जान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं. सिद्दीक जान, आप पहली पेशी पे जब 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया FIA की जानिब से, आप वहां पर मौजूद थे. अच्छा ये बताइएगा, आपने कोर्ट रिपोर्टिंग की, एक तवील अरसे की, अभी भी आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, अब कल दोबारा से शुएब साहब को पेश किया जाएगा. यूजुअली ये होता है, एक पैटर्न ये है कि FIA अगर किसी मुलजिम को पेश करता है, कहता है हमने एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, हमने बहुत सारी चीजें, आप गिरफ्तार करते हैं, चले आपका इस्तेहकाक है कि आप गिरफ्तार कर लें, आप कोई भी केस बना के गिरफ्तार कर लें, आप इस वक्त हुक्मरान हैं, ठीक है जनाब, कर लिया आपने. लेकिन जिस तरह की बर्बरियत की गई है, शुएब साहब के घर में सामान निकाल के बाहर फेंका गया, सामान की चीजें तोड़ तोड़ के बाहर फेंका गया, ये माजी में कभी देखा किसी हुकूमत में आपने, इस तरह का सलूक किया गया, और एक ऐसे इंसान के साथ जो सरमायाकारी कर रहा है पाकिस्तान के अंदर. देखें सलमान साहब, ये जो पिछले हम 11-12 माह से देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं, ये जुल्म जबर तशद्दुद नहीं देखा गया. लेकिन देखें, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि जो आप बात कर रहे थे शुएब साहब का, जो 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया, बड़ा हैरान कन था हमारे लिए, बड़ा हैरान कन था. जिस तरह से लतीफ़ खोसा साहब ने वहाँ पर दलाइल दिए, जिस तरह से उन्होंने हकायक सामने रखे, हमें पूरा यकीन था कि अगर मेरिट के ऊपर इसका फैसला हुआ तो आज ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उनको मुकदमे से, और अभी और इसी वक्त उनकी हथकड़ियाँ खोल के और उनको रिहा कर दिया जाएगा. क्योंकि वजह यह है कि इल्ज़ाम यह है कि आज से 7-8 साल कबल एक केस जो एग्जैक्ट के हवाले से चल रहा था, उसमें इल्ज़ाम यह है कि एक शख्स ने जज साहब को रिश्वत दी और उसके नतीजे में शुएब साहब समेत 25 लोग जो हैं वो बरी हो गए. अब पहली बात यह है कि जो रिश्वत देने वाला शख्स है, ना उसका कहीं पे नाम है FIR में, ना उसको गिरफ्तार किया गया, ना उसको सामने तफ्तीश किया गया. जो पैसे लेने का जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसको भी गिरफ्तार नहीं किया गया. जो बेनिफिशरी हैं उस फैसले के, जो मेरिट के ऊपर फैसला हुआ, उन बेनिफिशरीज में 26 में से सिर्फ शुएब साहब के ऊपर नाम लिखे और उनको गिरफ्तार किया जाता है. तो यहीं से आप पहली तो बदनीयति ये देख लें. दूसरी बदनीयति आप ये देख लें कि 7 साल से ये तहकीकात चल रही थी, 7 साल से, 7 साल बाद 8 मार्च को शाम के वक्त जो है वो 8 या 9 मार्च को शाम के वक्त 4:20 पर जो है वह FIR दर्ज की जाती है. और अगले दिन जो है वो शुएब साहब जब इस्लामाबाद पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, तो उनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश होना था, उसमें उनको एयरपोर्ट से ही जहाज से उतार लिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है. ये दूसरी चीज़ हो गई. तीसरी बात ये है कि जिस तरह के इल्ज़ामात उस जो उस जज के ऊपर लगे कि उसने रिश्वत लेके फैसला किया था, वो जज डिनाई कर रहा है कि मैंने रिश्वत नहीं ली. ये एक डिस्प्यूटेड मामला है. चौथा पॉइंट ये है कि सिंध हाईकोर्ट इसी तरह के इल्ज़ामात में शुएब साहब को उस दिन बरी कर चुकी है जिस दिन उनको पहले दिन अदालत में पेश किया गया. मामला यह है कि सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आप पढ़ें तो आप हैरान रह जाते हैं. जो उन्होंने चीज़ें लिखी, उन्होंने यही लिखा है कि 2014 में जो 82% एक्सपोर्ट कर रही थी IT कंपनी, उसके साथ जो आपने खिलवाड़ किया है, और आज मिफ्ता इस्माइल साहब बैठ के TV पर कहते हैं कि पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स $2 अरब हैं और भारत की $150 अरब हैं. खिलवाड़ तो आप लोगों ने किया ना, एक एक्सपोर्ट कंपनी जो 82% एक्सपोर्ट कर रही थी उसके साथ आपने क्या किया. फिर एक और आप इंटरेस्टिंग चीज़ सुने जो शायद आप पहले सुन भी चुके होंगे, लेकिन नाजरीन को दोबारा बता दें, और जमील फारूकी साहब आप भी जरा सुने कि जब शुएब साहब को के चेहरे पर कपड़ा डालकर ढांप कर लाया गया, तो वहाँ पर जो वकला हैं लतीफ़ खोसा साहब ने भी ये एतराज़ किया, शेर अफजल मरवत एडवोकेट साहब ने, और सब ने एतराज़ किया. समी ब्रेम साहब ने बात की, जो हमारे दीगर दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा क्या ये टेररिस्ट हैं, उस पर ज़रा दलील सुनिए, लॉजिक सुनिए. कमाल लॉजिक दी FIA के तफ्तीशी ने. उन्होंने कहा जी शुएब शेख साहब का एक चैनल है जिसका नाम बोल TV है. बोल TV जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी सख्त रिपोर्टिंग करता रहा है, यानी पाकिस्तान के साथ खड़ा था बोल, पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़ा था, पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ा था, जहाँ पाकिस्तान की फौज दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही थी. क्योंकि शुएब शेख का बोल TV पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़ा था, दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा था, अब खतरा है शुएब शेख को कि कोई दहशतगर्द इन पर हमला ना कर दे, ये देखकर कि आज इनको अदालत में पेश किया जाना है, तो हमने 4 लोगों के ऊपर कपड़ा डालकर लाए ताकि अगर कोई दहशतगर्द टारगेट भी करना चाहे तो उसको पता ना चले कि शुएब शेख इनमें से कौन सा है. ये लॉजिक है, दाद दीजिए. कमाल है. मेरा सवाल एक सवाल ये भी है ना, चले इस बात को, लॉजिक को मान लिया जाए,
कौन सा दहशतगर्द ऐसा छुपा हुआ था जिसको तलाश करने के लिए छापा मारा गया, और छापा भी मारा गया तो आपने तमाम चीजें तोड़ फोड़ के घर की बाहर रोड पर ला के रख दी। ये कौन से कानून में होता है, कौन से मुल्क में होता है, किस तरह का ये कानून है कि आपने अगर तलाशी भी लेनी है उसके भी कोई कवायद होते हैं, मुलजिम के भी कुछ हुकूक होते हैं, कुछ तरीकेकार होता है, आप घरों की चीजें तोड़ फोड़ के बाहर फेंक रहे हैं, वहां पर क्या तलाश कर रहे थे भाई? देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून है, और फवाद चौधरी साहब को जब गिरफ्तार किया गया था तो उनके केस में दलायल देते हुए डॉक्टर बाबा रवान ने कहा था कि पाकिस्तान को सरजमीने बे आइन बना दिया गया है। यहाँ पर आइन तो नहीं है, आइन तो ये चीज़ें नहीं कहता जो इस वक्त की जा रही हैं। जंगल का कानून है, और जब जंगल का कानून होता है तो उसमें यही होता है, जो दरिंदे होते हैं वो चीज़ फाड़ देते हैं जिसको उनका जी चाहे, और यहीं पे दरिंदगी हैवानियत यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, खिलवाड़ नज़र आ रहा है आप। सिद्दीक अगर आप इजाज़त दें, जमील अगर आप इजाज़त दें, एक मुझे रिपोर्ट भी शामिल करनी है। मीनवाइल अनवर मंसूर साहब, साबिक अटर्नी जनरल, हमें ज्वाइन